हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एग्रीकल्चर करने वाले हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल, है ना। सो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में करेंगे एंड इन दिस चैप्टर विल पुट फोकस ऑन बोथ एमसीक्यूज एज वेल एज योर मेन आंसर राइटिंग प्रोग्राम। मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको उस क्वेश्चन का मॉडल आंसर भी आज दूंगा आप, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इन ग्रेट डिटेल और फिर पॉइंट्स को समराइज करेंगे और फिर हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्लियर। सो गाइज, बी ट्राई टू बी रेगुलर, ओके। सो इस चैनल पे मैंने आपके डिमांड पे एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज स्टार्ट की है एंड माई ऑनलाइन कोर्सेज कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योग्राफी ऑप्शनल कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी फिजिकल इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी ओके डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल दिस कोर्सेज आर वेरी सून वी आर गोइंग टू मेक इट अवेलेबल फॉर यू गाइज। काइस्टिक्स एल प्रोग्राम, लेट्स लर्न रिवाइज राइट मेमोराइज रिकैप एंड प्रैक्टिस। अगर हम जेन्युइनली इसे फॉलो करें तो आपकी बहुत ही इंप्रूवमेंट होगी, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट, है ना। जो लोग रेगुलर हैं और प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं उनको फायदा मिल रहा है, ओके। सो बिल्कुल मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आपको ट्रू ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आने वाली है, आ रही है। फॉर मेंटरशिप, बिकॉज आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, उसके लिए आपके पास लिंक है, आप हमसे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लोगे, ओके। सो गाइज, आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन? क्या आप बिल्कुल तैयार हो? सो अगर हम बात करें, सो वी हैव कवर्ड रिसोर्सेज चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर। हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, फार्म सिस्टम की डिस्कशन करेंगे और टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, जल्दी से आप लिंक को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर कर दो, है ना, और फिर झमाझम तैयार हो जाओ इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। अगर हम डिस्कस करें तो द वर्ड एग्रीकल्चर, द टर्म एग्रीकल्चर इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एगर और एग्री मीनिंग सॉयल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। तो सॉयल के थ्रू क्या कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक। सो लैटिन वर्ड्स एगर और एग्री मीन्स सॉयल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। एक स्टोरी के फॉर्म में आप समझने वाले हो, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। गुरुप्रीत, माधो एंड टीना वेर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग लैंड। फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग व्हीट, गेहूं की खेती कर रहे हैं एंड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉयल टू मेक इट मोर फर्टाइल। वीट इज अ रबी क्रॉप। जब क्रॉप्स पढ़ेंगे तो रबी, खरीफ, जायद इसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए अगर टू मेन क्रॉप्स की बात करें, सो वीट इज अ रबी एंड पैडी धान, राइस इज खरीफ क्रॉप। फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल, क्यों भाई? टू इंक्रीज फर्टिलिटी, ठीक है। He told children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to the factories. एक आप सेक्टर्स के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो आप इस स्टोरी को ध्यान सुनना। मंडी से किसानों की गेहूं मंडी में गई और मंडी से चली गई वो फैक्ट्रीज में और वहां उस वीट से ब्रेड्स और बिस्किट बन रही है, है ना। सो टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट्स फ्रॉम द फ्लोर, आटे से, वीट फ्लोर से, दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्लांट का एक फिनिश प्रोडक्ट ब्रेड में कन्वर्जन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। दैट मीन्स फार्म से लेकर प्लांट का, वीट क्रॉप का, फैक्ट्री में जाके फाइनल बिस्किट में कन्वर्जन, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ
इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। कुछ टर्म्स से आइए रूबरू होते हैं, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, सिल्वी कल्चर, क्या बोला मैंने, सिल्वी कल्चर, तो क्या समझोगे आप, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेगमेंट। सिल्वी कल्चर, सेरी कल्चर, ओलेरी, ओ एल ई आर आई, ओलेरी कल्चर, हॉर्टी कल्चर, वीटी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, एग्रीकल्चर, सिल्वी, सिल्वी कल्चर, है ना। देखिए आप, एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग लाइफ स्टॉक, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, ब्रॉड टर्म है। अभी हम देखेंगे इसके अंतर्गत और क्या क्या आ रहा है। सेरी कल्चर, कीवर्ड सेरी फॉर सिल्क, और सिल्वी फॉर फॉरेस्ट्री। सिल्वी कल्चर, आप इसे कंफ्यूज नहीं करोगे, फॉर फॉरेस्ट्री, ठीक। कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, वैल्यू एडिशन हो रही है। पीसी कल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, इसकी बात हो रही है, पीसी कल्चर की बात हो रही है। वीटी कल्चर, कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, हॉर्टिकल्चर इन हिंदी बागवानी, ग्रोइंग वेजिटेबल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल स्केल्स। और सिर्फ ओलेरी कल्चर, ओ मीन्स आलू, सिर्फ अगर कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स हो जाए, ओनली कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, दैट इज अबाउट ओलेरी कल्चर, हॉर्टी इज अब्रॉड, इसमें वेजिटेबल्स फ्लावर्स फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज। एग्री द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग द क्रॉप एंड रियरिंग द लाइफ स्टॉक, सेरी सिल्क, पीसी फिशेस, वीटी ग्रेप्स, हॉर्टी वेजिटेबल फ्लावर्स फ्रूट्स, ओलेरी वेजिटेबल्स। आइए और देखते हैं, वर्मी कल्चर, अर्थ वॉर्म, टिश्यू कल्चर, अगर हम एक सेल से, प्लांट सेल से, जो कि टोटिपोटेंट है, टोटिपोटेंट मींस दैट हैज एबिलिटी टू ग्रो इनटू एंटायर प्लांट, और पूरी की पूरी न्यू प्लांट हमने फॉर्म की, टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम प्लांट सेल्स, गाइज इट इज योर वैल्यू एडिशन, ये सब आपके एक्स्ट्रा पॉइंट है, नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। एपी कल्चर, हनी बी, हॉर्टिकल्चर, क्या अभी हमने, पोमो, पालो, क्या पालो, फल पालो, फ्रूट्स, पोमोलॉजी, फ्रूट्स, पोमो ट्रिक देखो, पोमो पालो, क्या पालो, फल पालो। सेरी सिल्क, मोरी मलबेरी, वीटी ग्रेप्स, हमने रिवाइज कर ली, आगे बढ़ेंगे, मैं साइड हो जा रहा हूं ताकि आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ठीक। एग्री सेरी पीसी वाइटी हॉटी, वर्मी टिश्यू एपी, पोमो मोरी, ये आपके पास टर्म्स आए। मेरे फ्रेंड्स, अगर हम इंडिया की बात करें, अराउंड 58% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इट। अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी, क्योंकि देख रहे हो आप कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के स्टेटमेंट में कि अगर इंडिया में एग्रीकल्चर ठीक ना हो किसी कारण से, ठीक, तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, बिकॉज अराउंड 58-60% ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, तो एक ह्यूज चंक हमारा इस पे निर्भर है। हम डिस्कस करेंगे
एक एक पॉइंट को क्लियरिटी के साथ आप बिल्कुल धैर्य बना के समझते जाओगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज, अगर प्राइमरी एक्टिविटी की बात करें, ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन से संबंधित है। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। क्लियर है भाई? प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर हो, मत्स्य पालन हो, इकट्ठा करना हो। सेकेंडरी, अब उन रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। अगर आप जो प्राइमरी रिसोर्सेज के प्रोडक्ट है, जो नेचुरल रिसोर्सेज उत्पादित हुई हैं, उनका प्रोसेसिंग करना सेकेंडरी के अंतर्गत आ रहा है। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लोथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। प्राइमरी, ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग। सेकेंडरी, ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इंटू मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, ट्रांसफॉर्मेशन का कर देना। टर्शरी, सेलिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, डॉक्टर्स, टीचर्स, वेट्स, शॉप असिस्टेंट। टर्शरी एक्टिविटी प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज, है ना? तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ये हमारी टर्शरी एक्टिविटी हुई। आप अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गए, वो आपकी टर्शरी एक्टिविटी हुई। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। अगर वर्ल्ड की बात करें, ऑन एन अप्रोक्सीमेट 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जो कि एक प्राइमरी एक्टिविटी है। गाइस, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा या टर्शरी में आएगा? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म विल कम अंडर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, गिवन इन योर एनसीईआरटी रिवाइज डाटा इज अप्रोक्सीमेटली 58%। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉयल, सॉयल इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, कि क्या सॉयल एल्यूवियल है, फर्टाइल है, रिच इन न्यूट्रिएंट है या सॉयल सैंडी और डेजर्ट है। क्लाइमेट कैसा है, क्या रेनफॉल हो रहा है, क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम एग्रीकल्चर आज भी मॉनसून डिपेंडेंट है। तो मॉनसून इज क्लाइमेट इज टेम्परेचर इज रेनफॉल इज प्रेसिपिटेशन इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। सॉयल एंड क्लाइमेट आर वेरी वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और जिस भाई सारे जो लैंड हैं सब खेती करने योग्य नहीं है, जितने कल्टीवेशन, जितने क्रॉप के ग्रो करने के लिए सुटेबल है, द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन आर कॉल्ड एरेबल लैंड। क्या बोलोगे? एरेबल लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। इन द मैप आप देखोगे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कंसिडर्ड इन द रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर द फैक्टर फॉर ग्रोइंग क्रॉप एग्जिस्ट। हर क्रॉप की, आगे पढ़ोगे आप मेजर क्रॉप्स के बारे में, हर क्रॉप की अपनी डिमांड है। डिमांड ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, साल के कितने दिन एबंडेंट सनशाइन है, है ना? रेनफॉल कैसा है, स्लोप कैसा है, सॉयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, All these factors will influence, affect the cultivation of crops. ये बात स्पष्ट है। अगर arable land की बात करें, आप देख पा रहे हो
नॉर्थ अमेरिका का ये रीजन एक लार स्कैटर्ड पैचेस, साउथ अमेरिका का ये रीजन यहां पे आप देख पा रहे हो, यूरोप का, अफ्रीका का, चूंकि ये पार्ट डेजर्ट ये सारा है स्कैटर्ड, इंडिया का ह्यूज पार्ट, फिर इधर का पार्ट ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, रशिया में स्कैटर्ड पार्ट, स्टेपीज रीजन, टेम्परेट ग्रासलैंड का रीजन फॉर मैकेनाइज्ड फार्मिंग। तो आप एरेबल लैंड, लैंड विच इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, टू थर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट, नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। यहां पे अगेन नॉट सुटेबल, लेस ग्रीन फॉरेस्ट, अब यहां पे लैंड यूज चेंज हो रहा है। तो आप मेजर एरियाज को देख रहे हो, स्कैटर्ड पैचेस आपको खेती करने योग्य जो ग्रीन कलर से दिख रही हैं, वो एरेबल है। ठीक, एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ कंट्री इज बाय लुकिंग एट पॉपुलेशन पिरामिड, ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्स पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड शोज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, 5 to 9 years, 10 to 14 years। भाई कुल पॉपुलेशन को आप मेल फीमेल और इस ग्रुप में डिवाइड करोगे। इंडिया का ग्रेट इंडियन प्लेन, इंडो गैंगस्टिक ब्रह्मपुत्र प्लेन का रीजन इज हाईली सुटेबल फर्टाइल। ठीक है, जो आपके लिए सुटेबल है फॉर कल्टीवेशन। अगर हम फार्म सिस्टम की बात करें, ए कल्चर ऑफ फार्मिंग कैन बी लुक एट अ सिस्टम, कौन कौन से इनपुट्स हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर। ये देखो मशीनरी, ट्रैक्टर इस्तेमाल हो रहा है, हार्वेस्टर, थ्रेसर्स, सीड्स आजकल हाई यील्डिंग वैरायटीज, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नॉट सुटेबल, फिर प्लाविंग, सोइंग, स्प्रेइंग, और फिर प्रोसेस हो रहा है, पूरा आपका ग्रो हो रही है, और फिर आउटपुट में क्रॉप्स मिल रहा है ना। अगर फिजिकल इनपुट की बात करें, ह्यूमन इनपुट की बात करें, तो फिजिकल में सन रेज, क्यों, क्योंकि ये प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो सन रेज इज रिक्वायर्ड, सुटेबल सॉइल, स्लोप, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो हम स्टोर करेंगे लेबर, मशीनरी, केमिकल्स, दैट मीन्स फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स, देन प्रोसेसिंग, देन कम्स आउटपुट। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग को आप एक सिस्टम की तरह देख सकते हो। दिस इमेजेस आर टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी से ये चीजें ली हुई हैं। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड आर प्लाविंग, शोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, खरपतवार को निकालना, हार्वेस्टिंग। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम क्या मिल रहा है, क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये आपको मिल रहे आउटपुट्स। दीज आर द आउटपुट्स, दीज आर द प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस यहां पे ऑपरेट हो रही है, ऑपरेशंस जो यहां पे इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व्ड ऑपरेशंस आर। ठीक, और अगर हम इनपुट की बात करें, तो इनपुट को हम फिजिकल और ह्यूमन फार्म इनपुट्स के फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं। फिजिकल में सन, साइन, टेम्परेचर, रेनफॉल, स्लोप, सॉइल, और ह्यूमन में स्टोरेज, लेबर इज द मेजर पार्ट, मशीनरी एंड केमिकल्स। क्योंकि इंडिया की बात करें, हम समझेंगे, एक क्वेश्चन में आपको अभी दूंगा और सेशन के लास्ट में हम उसे करेंगे डिस्कस। गाइस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम बात करेंगे आपसे ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड, यहां पे ये आपको ध्यान रखना है, आर यूज इंस्टेड ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड,
natural pesticides are used. No genetic modification is done to increase the yield of crops. कोई genetic modification नहीं हो रही है. Types of farming. अगर हम farming की बात करें तो भाई पूरे वर्ल्ड में various ways of farming practice हो रही है. ध्यान सुनना. Listen very carefully. Depending upon geographical condition, कि जिस कंट्री की बात कर रहे हो, जिस रीजन की बात कर रहे हो, उसकी लोकेशन कैसी है, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस लेबर, टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही है, क्या हम ब्रॉडली इसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग दो ब्रॉड ग्रुप में बांट रहे हैं. आइए इस पॉइंट को और क्लियरली समझते हैं. सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड, यहां फार्मर अपनी परिवार की भोजन की डिमांड को, डिमांड ऑफ फैमिली को पूरा कर रहा है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड ऑफ फार्मर्स फैमिली, वो अपने परिवार के डिमांड को पूरा कर रहा है. लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट है ना. तो किसकी बात हो रही है, नाम से समझ में आ रहा है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउस होल्ड लेबर, घर के लोग ही खेतों पे काम कर रहे हैं और अपना भोजन की यापन कर रहे हैं, भोजन की डिमांड को पूरी कर रहे हैं, अपनी फैमिली के डिमांड को, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अनाज बेच के पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं. ठीक. इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इसे आप ब्रॉडली इंटेंसिव और प्रिमिटिव, फैमिली स्मॉल, अपनी डिमांड जो छोटी है, बेसिक है, उसे पूरा कर रहा है ना. आगे देखते हैं. इंटेंसिव में क्या हो रहा है, फार्मर कल्टीवेट्स स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर. ये ज्यादा लेबर इंटेंसिव है. क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन है ना एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट. लैंड पर प्रेशर है, उसी लैंड पर चुकी जलवायु समर्थन कर, सपोर्ट कर रहा है, सॉइल फर्टाइल है, सन रेज पर्याप्त उपलब्ध है, साल में एबंडेंट सनशाइन है, मोर नंबर ऑफ डेज आर विथ फेवरेबल सन रेज. क्या हो रहा है, सेम प्लॉट पे मोर देन वन क्रॉप कैन बी ग्रोन एनुअली, एक वर्ष में दो अधिकतम तीन भी फसल, रवि खरीफ जायद तीनों कर पा रहे हो आप. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, फार्मर स्मॉल प्लॉट पे सिंपल टूल से मोर लेबर के साथ फेवरेबल क्लाइमेट में मोर नंबर ऑफ डेज अंडर सनशाइन फेवरेबल फर्टाइल सॉइल के साथ एनुअली मोर देन वन क्रॉप ग्रो कर पा रहा है. गाइस होप पूरी बात आपको याद हो रही होगी. और राइस मेन क्रॉप है, अगर राइस और वीट में चुनना है वी विल गो फॉर द राइस. अदर में आ गया वीट, सेकंड में मेज पल्सेस एंड ऑयल सीड्स तिलहन. अब तिलहन पे ऑयल सीड्स कल्टीवेशन पे हमारा काफी जोर है. होप हम इतनी बात स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना गाइस. आइए जरा और बातों को समझते हैं. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवेलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, तभी तो ज्यादा लेबर इंटेंसिव है. रीजन ऑफ मॉनसून, रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. मैप दिया, मैप रीजन को मार्क किया और पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रैक्टिस्ड, ए कॉमर्शियल फार्मिंग, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन क्रॉपिंग. इस तरह के ऑप्शंस कई बार जब आप कोड बना के पेयरिंग के ऑप्शन देंगे है ना, आगे और पढ़ लीजिए, बात करेंगे.
अगर प्रिमिटिव सब्सटेंस की बात करें, इन प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर शिफ्टिंग कल्टीवेशन पॉल्टी है, नोमेडिक हर्डिंग। हम समझेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से जानते हैं। बात होगी कहां इसे बोलोगे, मिल्पा, वेयर इट इज कॉल्ड एज मिल्पा, वेयर इट इज कॉल्ड एज रोका, वेयर इट इज कॉल्ड एज लडान, वेयर इट इज कॉल्ड एज झूम, वेयर इट इज कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। बड़ा ही फॉल्टी मेथड है। पहले हमने जंगल को क्लियर किया, फॉरेस्ट इज क्लियर्ड, डीफॉरेस्टेशन इज डन और फॉरेस्ट इज बर्न्ड, जला दिया है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन थिकली फॉरेस्टेड एरियाज, जैसे फॉरेस्ट को क्लियर किया या जला दिया, हैबिटेट लॉस, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर इंडिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, अमेरिका साउथ की बात करें, साउथ अमेरिका, अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, कॉन्गो रीजन, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, इसी को आप क्या बोलते हो, स्लैश बर्न कल्टीवेशन। बड़ा ही गलत तरीका है, अभी समझेंगे पढ़ेंगे क्या है। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है। डू यू नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। झूम, झूमिंग, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मिल्पा मेक्सिको, रोको, रोका ब्राजील, ब्राजील में आपने अमेजन फॉरेस्ट को रोका, लाडांग मलेशिया। गाइस ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है हैबिटेट का लॉस, ये कर रहा है हैबिटेट का, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये कर रहा है सॉयल का पॉल्यूशन, पूरे जो राख है ऐसे से वो ऐड हो रही है, ये कर रहा है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, क्योंकि फॉरेस्ट के जलने से एटमॉस्फेयर में सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में रिलीज हो रही है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। सो मिल्पा, रोका, झूमिंग, लडांग, कॉमनली कॉल्ड एज स्लैश बर्न, ये भी एक कॉमन टर्म है, शिफ्टिंग और स्लैश बर्न इज मोर पॉपुलर, ठीक है। दीज आर एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रिजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। गाइस अगर हमने फॉरेस्ट को क्लियर किया तो जो रेनफॉल पहले फॉरेस्ट में ट्रैप हो रही थी वो पूरी की पूरी ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है और हाई रेट ऑफ इरोजन करा रही है, लीचिंग भी करा रही है। प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड इधर बाई फेलिंग ऑफ ट्रीज और बर्निंग देम, क्या भाई या तो पेड़ हमने काट दिए या तो जला दिए, दोनों केस में हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। देन एशेस आर मिक्स, जो राख है सोयल से मिक्स हुए, एंड क्रॉप लाइक मेज, यम, पोटैटो एंड कसावा आर ग्रोन। आफ्टर द सोयल लूजेस इट्स फर्टिलिटी, चाहे वो इरोजन की बात हो, अब क्या हो रहा है भाई, इरोजन हो रहा है, लीचिंग हो रही है, सोयल अपनी फर्टिलिटी को तेजी से लॉस कर रहा है, तो यहां चूंकि इनको खेतों में खाद नहीं डाल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, और लैंड ज्यादा है, पॉपुलेशन का प्रेशर कम है, लोग कम है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, लोग शिफ्ट कर जाएंगे। लैंड इज एबंडेंट एंड कल्टीवेशन इज डन, दे आर मूविंग टू अ शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लॉट, न्यू प्लॉट, न्यू प्लॉट, न्यू प्लॉट, एंड देन दे आर कमिंग बैक। बीच में जब तक खेती नहीं हो रही है, फैलो पीरियड, हिंदी का वर्ड, परती, खाली पड़ी हुई जमीन, विदाउट कल्टीवेशन, आफ्टर द सॉयल लूजेस इज फर्टिलिटी, द लैंड इज एबंडेंट एंड कल्टीवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट, वो नए प्लॉट की तरफ मूव कर रहा है।
इसको क्या बोलेंगे, स्लैश बर्न कल्टीवेशन। ये देखो आप, पूरा सॉयल पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, सॉयल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरेंगे, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होगी। इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्या बोलेंगे, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या हो रहा है, हर्ड्समैन एक जगह से दूसरे जगह जाएगा अपने जानवरों के साथ, क्यों, फॉर चारा, फॉडर, फॉर वाटर। ठीक, एक निश्चित रूट है इनका, इस मौसम में इधर जाएंगे, इस मौसम में इधर जाएंगे, इस मौसम में इधर जाएंगे। नोमेडिक हर्डिंग गाइस, स्लैश बर्न, मिल्पा, रोका, लाडांग, झूमिंग, क्या हुआ, लैंड इज क्लियर, फॉरेस्ट इज क्लियर, फेलिंग ऑफ ट्रीज, बर्निंग ऑफ ट्रीज एंड देन कल्टीवेशन इज डन। व्हेन सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी, शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट। यहां पे हर्ड्समैन आर मूविंग अलोंग विद देयर एनिमल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अलोंग डिफरेंट रूट्स फॉर फॉडर, वाटर एंड अदर डिमांड्स। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट राइजेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स। मैंने कहा था कि समर में इधर एंड टेरेन। ये देखो आप, ऊंटों के साथ लोग जा रहे हैं। शीप, भेड़, कैमल, याक एंड गोट्स आर द मोस्ट कॉमनली रियर्ड। क्यों, इनको क्या मिल रहा है, व्हाट दे आर गेटिंग, दे आर गेटिंग मिल्क, मीट, वूल, हाइड एंड अदर्स प्रोडक्ट्स। किसको, हर्डर्स को, उसकी फैमिली को। और ये बंजारों की तरह एक क्षेत्र से अलग क्षेत्र तक मूव कर रहे हैं। गाइस, हमने क्या देखा, हमने समझने का प्रयास किया कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को हम ब्रॉडली शिफ्टिंग और नोमेडिक के रूप में बांटेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमेडिक हर्डिंग के रूप में हम ब्रॉडली इसे कैटेगराइज, डिवाइड कर रहे हैं। देन विल कम ऑन कॉमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस की बात, हम अब कमर्शियल फार्मिंग की बात करेंगे। इन दिस कमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। यहां फैमिली का डिमांड मेजर नहीं है ना, यहां पे एरिया जो कल्टीवेशन के अंतर्गत है वो बड़ी है, कॉस्ट इनपुट, अमाउंट ऑफ कैपिटल वो बड़ा है, टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। ठीक, किसकी बात हो रही है, कमर्शियल फार्मिंग की बात हो रही है। क्या सुगर केन की खेती, गन्ने की खेती आपने देखा है, गाइस इसमें क्या करते हो आप, इसमें प्लांट को कट करते हो आप और वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। नोड्स जो गांठ है, नोड्स जो गांठ है आप कट करते हो और नोड से प्लांट निकलता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स इन कमर्शियल, कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें क्या कह रहा है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर कम्स अंडर कमर्शियल फार्मिंग। यहां पे मशीन के द्वारा सब्सटेंस वाज मोर लेबर इंटेंसिव, स्मॉल लैंड प्लॉट, लैंड साइज है ना, टू मीट द डिमांड ऑफ द फैमिली, क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल, सॉइल फर्टाइल, मोर नंबर ऑफ सनी डेज इन ईयर। की पॉइंट्स याद रखेंगे, इन कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। लार्ज एरिया में वीट की, मेज की कल्टीवेशन,
नाम ही बता रहा है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। मेजर एरियाज वेयर इट इज डन, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज का रीजन, रॉकी माउंटेन, लेक्स, ग्रेट लेक्स के बीच का प्लेन रीजन। यूरोप का, एशिया का, यूरेशिया का स्टेपीज। साउथ अमेरिका का पैम्पास, अर्जेंटीना का रीजन। दीज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर। सीवियर विंटर्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो साल में चूंकि विंटर सीवियर हो रही है, एक फसल ग्रो हो रही है ऑन लार्ज फार्म, पॉपुलेशन का प्रेशर भी कम है। इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। मिक्स हो रहा है, फूड उगा रहे हो, जानवरों का चारा उगा रहे हो, जानवर भी पाल रहे हो। प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, एप्लेशन का रीजन अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया जो डाउन्स के रीजन है, न्यूजीलैंड, कैंटरबरी के न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वेल्ड का रीजन याद करेंगे। मिक्स फार्मिंग की पॉइंट्स, लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड, फॉडर फॉर एनिमल्स, रियरिंग लाइव स्टॉक। प्रैक्टिस इन यूरोप, स्टेपी रीजन, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, पैम्पास रीजन, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स का रीजन, म्यूरे डार्लिंग का क्षेत्र, न्यूजीलैंड, कैंटरबरी का रीजन, साउथ अफ्रीका वेल्ड का रीजन। ये सब हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में इसी सीरीज में बताया है। गाइस, रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? सो सी, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। सफलता एक दिन में हासिल नहीं होती, आपको लगातार अनवरत कार्य करना होगा एक सुनिश्चित दिशा में, एक प्लान तरीके से। कई बार घबराहट होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हमें फिर भी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। प्लांटेशन की बात करें, अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, सुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल आर रिक्वायर्ड। प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्री, डिपेंड कर रहा है कि कैसी व्यवस्था है। डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस इसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। ऐसे के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। इतनी बात क्लियर हो रही है। प्लांटेशन में क्या और भाई, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। यहाँ पे सिंगल क्रॉप, चाहे कॉफी की प्लांटेशन हो, टी की हो, सुगर केन की हो, कैश्यू की हो, रबर की हो, बनाना की हो, कॉटन की हो, दे आर ग्रोन। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लेबर इज रिक्वायर्ड, और जो प्रोड्यूस है या तो उसकी प्रोसेसिंग वही फार्म पे होगी या नियर बाय फैक्ट्रीज पे होगी। गाइस, क्या हमने इसमें से, इस पूरे लिस्ट में से कोई सा एक प्लांटेशन क्रॉप देखा है? हैव यू सीन एनी वन? ठीक, टी कल्टीवेशन दिख रहा है, कॉफी दिख रहा है, सुगर केन, इसी नोड की बात हो रही थी, है ना? रबर दिख रहा है आपको, लेटेक्स, बनाना दिख रहा है आपको, कैश्यू दिख रहा है, काजू। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन द केस ऑफ प्लांटेशन कल्टीवेशन, विच इज द टाइप ऑफ कमर्शियल, मोर लेबर, मोर कैपिटल, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन एंड समटाइम्स प्रोसेसिंग इज डन ऑन द फार्म इटसेल्फ
एंड समटाइम्स इट इज डन इन नियर बाई फैक्ट्रीज। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है प्लांटेशन एग्रीकल्चर की, प्लांटेशन कल्टिवेशन की, है ना। इट इज टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ठीक, सो ब्यूटिफुल फार्म्स आपको दिख रहे हैं। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। क्रॉप्स करेंगे हम, कितनी चाय खुद ही पी जाते हैं, है ना। क्या हमने बनाना का कल्टिवेशन प्लांटेशन देखा है? ये देखिए आप, बनाना, ये इसका फूल है। कुछ भारत के क्षेत्रों में बनाना की सब्जी बनती है, आप पके केला खाते हो, बनाना चिप्स बनती है, इस फूल की भी सब्जी बनती है। एक बार मेरे ऑफलाइन बैच में मेरे स्टूडेंट ने मुझे पहली बार बनाना के फूल की सब्जी खिलाया। तो हम शाकाहारियों के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। चलिए गाइस, आइए जरा आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एम ए डब्ल्यू पी का मेन आंसर राइटिंग प्रोग्राम का। ठीक, और मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा डिटेल में। आपको आंसर लिखना है कॉपी में समराइज करके। अब लुक ऑन स्क्रीन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के आपको लक्षण और उसकी समस्याओं का उल्लेख करना है। रेडी, ध्यान सुनेंगे मेन पॉइंट्स। सुनने के बाद आप पॉइंट्स को समराइज करके अपने फॉर्म में लिखोगे, पूरा याद कराऊंगा, ध्यान रखिए। नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, बियॉन्ड एनसीईआरटी। सो करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सम ऑफ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आर। पहला, मेनली अगर इंडिया की बात करें, इट इज सब्सटेंस इन नेचर। क्यों भाई ऐसी क्या बात हो रही है? कल्टिवेटर्स एंड फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स मेनली फॉर द फैमिली कंजम्पशन, ये मेजर पार्ट है। ओनली इन द कंट्रोल्ड इरिगेटेड पार्ट्स ऑफ कंट्री लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड कावेरी डेल्टा, जहां पे एग्रीकल्चर हैज बिकम एन एग्री बिजनेस और मार्केट ओरिएंटेड। कुछ पार्ट्स, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यही वो रीजन जहां पे फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज सक्सेसफुल। कावेरी डेल्टा, यहां पे एग्री बिजनेस वाला, इट इज मोर एंड मोर मार्केट ओरिएंटेड। अदरवाइज इन द रेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री इट इज सब्सटेंस इन नेचर। आगे देखते हैं हम, तो यहां पे क्या हो रहा भाई, इस फार्मिंग में प्लॉट का साइज छोटा है, लेबर ज्यादा है, टेक्नोलॉजी कम है, सॉइल फर्टाइल है, क्लाइमेट फेवरेबल है, है ना। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, इंडियन एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। क्यों? मैंने आज स्टार्टिंग में बताया कि 58% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अगर इंडिया की बात करें, पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति इतना पॉपुलेशन का प्रेशर है कि पर कैपिटा एग्रीकल्चर लैंड इज ओनली 0.10 हेक्टेयर। माय गॉड, एक व्यक्ति के लिए ओनली 0.10, जो कि 1951 में इट वाज 0.30। ध्यान सुनना, जब आप आजाद हुए थे 0.30, अब ये घट के 10 आ गया है। इंडिया की बात हो रही है, क्वेश्चन इज हम तुलना करें अगर वर्ल्ड से तो पिक्चर और क्लियर होगा। वर्ल्ड की 4.5 हेक्टेयर, ओ माय गॉड, पर कैपिटा वर्ल्ड की 4.5 हेक्टेयर, हमारा अभी 0.10। मैसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, पर कैपिटा एग्रीकल्चर लैंड इज ओनली 0.10 हेक्टेयर एज अगेंस्ट 0.30 हेक्टेयर इन 1951, और वर्ल्ड की एवरेज 4.5 हेक्टेयर।
इससे आपके माइंड में फैक्ट्स की क्लियरिटी होगी कि हाउ मैसिव प्रेशर इज। भाई फास्ट ग्रोइंग जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, कल्टिवेबल लैंड एरेबल लैंड श्रिंक हो रहा है, तो कम लैंड पे ज्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर क्या हो रहा है भाई, और हमारा मोर मैकेनिज्म सस्टेंस का है, तो ह्यूज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज ऑन द लैंड। प्रीडोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स, चाहे वो खरीफ हो चाहे वो रबी हो, हम क्रॉप्स वीट खरीफ में पैडी पे, रबी पे वीट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम। राइस मेज मिलेट बाजरा रागी ऑयल सीड एंड पल्सेस आर डोमिनेंट क्रॉप इन द खरीफ सीजन, उसमें राइस ज्यादा डोमिनेंट है। वीट ग्राम पीस लेंटिल एंड बार्ली 3/4 ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन द रबी सीजन, इसमें वीट इज द मेन वन। तो राइस पैडी इन द खरीफ, वीट इन द रबी, दे आर द मेन, क्लियर है। फूड ग्रेन्स की प्रीडोमिनेंस है, फाइन। मिक्स क्रॉपिंग इन रेन फेड एरियाज ऑफ द कंट्री, मिक्स क्रॉपिंग इज अ कॉमन प्रैक्टिस। फार्मर ग्रो राइस मिक्स मिलेट मेज एंड पल्स इन खरीफ सीजन, वीट ग्राम एंड बार्ली इन द रबी। इन द एरियाज ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कई सारे क्रॉप्स मिक्स करने का प्रयास हो रहा है, तो मिक्स क्रॉपिंग से क्या हो रही भाई, इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस एग्रीकल्चर। किसान चाह रहा है कि भाई उसके लैंड से उसके पूरे साल की डिमांड पूरी हो जाए, है ना, फैमिली रन करना ही उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है, मॉनसून पे ये मेनली डिपेंडेंट है, क्लियर है। हाई परसेंटेज ऑफ रिपोर्टिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। 70% ऑफ द लैंड होल्डिंग्स है आइदर स्मॉल और मार्जिनल, लेस देन 1 हेक्टेयर। स्मॉल साइज क्यों हो गई, मेनली ड्यू टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। भाई पीढ़ी दर पीढ़ी भाइयों में बंटवारा हुआ, बच्चों में बंटवारा हुआ और लैंड छोटा होता चला गया बिकॉज ऑफ डिविजन इन द फैमिली। कल्टिवेबल लैंड पे लोगों के घर बनने लग गए बिकॉज ऑफ इंक्रीज अर्बनाइजेशन। तो सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स स्मॉल लैंड साइज होल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फील्ड्स आर स्कैटर्ड एंड फ्रेगमेंटेड, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन हाईली अनसुटेबल फॉर मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। भाई बंटवारा हुआ, भाइयों में खेत बढ़ गए, स्कैटर्ड लैंड साइज हो गई, स्मॉल होल्डिंग्स हैं, मैकेनाइज मॉडर्न फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। लिमिटेड इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ओनली अबाउट 1/3 ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इज अंडर डबल एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या करना है, इंक्रीज इन डबल क्रॉप एरिया इज डिफिकल्ट। कब, अगर हैवी इन्वेस्टमेंट करें, नहरें बनाए, ट्यूबवेल लगाए, क्योंकि मानसून डिपेंडेंट हमारा कल्टीवेशन है, हमें इरिगेशन पे ज्यादा फोकस करना है, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ानी है, साइंटिफिक मेथड्स को एडॉप्ट करना है, ठीक, मल्टीपल क्रॉपिंग को प्रमोट करना है, डबल क्रॉपिंग को प्रमोट करना है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी का प्रिमिटिव होना आज भी, ठीक, रेन फेड एरियाज में यूज ड्रॉट एनिमल बुलॉक मेल बफेलोज एंड कैमल फॉर प्लाविंग, अब तो चेंज हो रहा है, एंड अदर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ ड्रॉट एनिमल्स इज लो व्हिच इज ऑफन रिटार्ड्स द टाइमली ऑपरेशंस ऑफ सोइंग वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। अब ये बात अलग है कि अब हमारी ट्रैक्टर्स पर डिपेंडेंसी बढ़ने लगी है रिमोट एरियाज तक। इंडियन एग्रीकल्चर इज लेबर इंटेंसिव, भाई लेबर बेस्ड एंटरप्राइज है, एक आदमी के काम को 4 लोग मिलकर कर रहे हैं और चारों खुश हैं,
Most of the agriculture operations like plowing, leveling, sowing, weeding, spraying, sprinkling, harvesting and threshing are carried mainly by human hand. आज भी कर रहा है, आज भी मशीनरी की यूज कंफाइंड है टू रिच फार्मर ऑफ पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी एंड प्लेन्स ऑफ उत्तराखंड बिहार मध्य प्रदेश गुजरात एंड महाराष्ट्र लिमिटेड है, कंफाइंड है कुछ एरिया में. आज भी इंडियन एग्रीकल्चर इज लेबर इंटेंसिव है ना, देखा है हमने. अब तो लोग लेबर ढूंढ रहे हैं, मिलना मुश्किल हो रहा है ना. रेन फेड बड़ी समस्या, अराउंड मोर देन 50% ऑफ एरिया अंडर एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल समर मॉनसून. अनफॉर्चुनेटली बिहेवियर ऑफ समर मॉनसून इज हाईली इरेक्टिक. क्यों? अब आप क्लाइमेट चेंज का प्रभाव इस पे देख पा रहे हो. कॉन्सिक्वेंटली द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज हाईली विच एफेक्ट्स एग्रीकल्चर रिटर्न एडवर्सली. जाहिर सी बात है ये आप देख पा रहे हो कि भाई 55% ऑफ क्रॉप एरिया ही अंडर प्रॉपर इरिगेशन है. ओनली अबाउट 55% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इज अंडर इरिगेशन इन विच फार्मर्स आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर रिटर्न ऑफ एग्रीकल्चर है ना. तो जाहिर सी बात है इरिगेशन एक मेजर प्रॉब्लम है. लेस एरिया अंडर लेग्यूमिनस एंड फॉडर क्रॉप्स. भाई नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स जैसे कि पल्सेस दलहन है, जैसे कि अरहर है, मूंग है, मसूर है, चना है, मटर है, गेटिंग लेस एरिया अंडर कल्टीवेशन, यही इनके कीमत के बढ़ने का कारण है. कॉन्सिक्वेंटली नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉयल इज डिप्लीटिंग एंड सॉयल आर लूजिंग देयर रेजिलियंस कैरेक्टरिस्टिक्स. भाई लेग्यूमिनस क्रॉप्स के रूट में नोड्यूल्स गांठ होती है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती हैं जो सॉयल की नाइट्रोजन के डिमांड को पूरा करती हैं. मोर एवर लेस देन 4% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया इज अंडर पाउडर क्रॉप, वो चारे के अंदर है. सोचिए कितना कम है ना. दिस टुगेदर विद लैक ऑफ गुड एग्रीकल्चर पास्चर्स हैज डिट्रीमेंटल इफेक्ट ओवर द डेवलपमेंट ऑफ डेयरी फार्मिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन. इंडिया के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड है लेकिन ऑक्यूपाइज एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटल प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड. सोचिए आप लार्जेस्ट पॉपुलेशन है लेकिन आपकी मिल्क प्रोडक्ट्स में कैटल प्रोडक्ट्स में योगदान लार्जेस्ट नहीं है. आप टॉप पोजिशन ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हो. क्लियर है गाइस. ट्रेडिशन बाउंड बाय ए लार्ज इंडियन एग्रीकल्चर इज ट्रेडिशन बाउंड एस्टेब्लिश सेवरल सेंचुरीज एगो. भाई गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आ रही है अवेयरनेस कम है, लैब टू लैंड में गैप है. तो हमें क्या करना है, हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, साइंटिफिक मेथड्स को प्रोपोर्ट करनी है ना. लो प्रोडक्टिविटी, भाई लो प्रोडक्टिविटी का मेन कारण क्या है ना भाई. व्हाई इट इज द मेन, व्हाट इज द मेन फैक्टर, मेन कॉज ऑफ लो यील्ड पर हेक्टर इज लो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, लेस केयर टू रिप्लेनिश इट थ्रू ग्रीन मैन्योर फर्टिलाइजर्स फॉलोइंग एंड साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स. हम अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं है ना. गवर्नमेंट की पॉलिसी, भाई शुरू के दिनों में कंट्री की डिमांड भी थी. भाई शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें विज्ञान को भी जोड़ा. सो इन द इनिशियल डेज ऑफ इयर्स ऑफ फर्स्ट फाइवर प्लान इंडियन एग्रीकल्चर गॉट अ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट. ठीक, फार्मिंग कम्युनिटी हैज बीन इग्नोर्ड, मोर एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज ओनली 2.5% है ना.
फार्मर्स को प्रॉपर आज भी हमारी पॉलिसीज तो है, मान लीजिए फसल बीमा योजना तो है, लेकिन आज भी रिमोट एरियाज में फार्मर्स में उतनी अवेयरनेस नहीं है। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम तो है, फार्मर्स में अवेयरनेस नहीं है। कृषि सिंचाई योजना तो है, फार्मर में अवेयरनेस नहीं है। जॉब क्रिएशन, फार्मर में अवेयरनेस नहीं है। कैश क्रॉप साइंटिफिक मेथड्स, फार्मर में अवेयरनेस नहीं है। गाइस, द फॉलोइंग मेन इश्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर नीड टू बी कंसिडर्ड वाइल पॉलिसी फॉर्मुलेशन। भाई पॉपुलेशन का प्रेशर, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इन्वेस्टमेंट, स्ट्रक्चरल चेंजेस, इंपैक्ट ऑन पुअर, क्या ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है, रैपिड अर्बनाइजेशन का क्या प्रभाव है ना, डिक्लेरेशन इन द रूरल पॉवर्टी, ये इश्यूज, लैक ऑफ ए डेफिनेट एग्रीकल्चर लैंड यूज पॉलिसी। भाई एब्सेंस ऑफ डेफिनेट लैंड यूज पॉलिसी में क्या हो रहा है, फार्मर क्रॉप ग्रो कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। समटाइम्स कोई फसल ज्यादा हो जा रही है, समटाइम्स किसी की स्कैस्टी हो जा रही है। मेनी टाइम्स फार्मर हैव टू बर्न देयर शुगर केन क्रॉप। भाई इतनी ज्यादा आलू की पैदावार हुई, टमाटर की पैदावार हुई, प्याज की पैदावार हुई, गन्ने की हुई, किसान को उचित मूल्य उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्यों? कोई लैंड यूज पॉलिसी प्रॉपर नहीं है। क्लियर? क्या करना है? अवेयरनेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट लैंड यूज पॉलिसी, लैक ऑफ मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। इससे क्या हो जा रहा है, ब्रोकर का रोल बढ़ जा रहा है और बिचौलियों को ज्यादा फायदा हो जा रहा है एज कंपेयर टू आवर फार्मर्स, है ना। तो फार्मर्स, ये हो गई आपकी लो स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर। भाई जबकि उल्टा है, जो फार्मिंग में इन्वॉल्व है बट ऑब्वियस हम उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दें, क्योंकि यही हमारे भाई, हम पैसे तो खाएंगे नहीं, अगर ये अनाज उत्पादन ना करें तो क्या खाएंगे हम। इन ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिग्निफाइड एंड ऑनरेबल ऑक्यूपेशन, दिस लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट एंड लैक ऑफ एंथुसिएज्म अमंग द मोस्ट ऑफ द फार्मर। द यंगर जनरेशन ऑफ फार्मर प्रिफर अ पीटी गवर्नमेंट जॉब टू एग्रीकल्चर। More of a rich farmer invest their agriculture profits in non-agriculture sectors. भाई तो अगर proper investment खेती में नहीं होगी तो क्या होगा, आगे जाके उतनी yield नहीं आएगी, drop होगा। भाई big land tenancy एक समस्या है। Big landlords who own big farms houses are rich urbanites, है ना, ये आपको समझना है। Poverty and indebtedness of the farmers, ये भी unfortunately over 85% of all cultivating families are under debt. तो government कई बार किसानों के कर्ज, सिंचाई का कर्ज, बिजली का कर्ज माफ करती है, है ना। तो आपको ये देखना है guys, fine. Inadequacy of extension services, मैंने आपको कुछ extra points बता दिए हैं। Inadequate agriculture research and education training and extension, यही आपके lab to land का huge gap का होता। Soil erosion और soil degradation, ये भी एक गंभीर समस्या है, ठीक है। Unscientific methods of agriculture, inadequate irrigation facilities, less use of chemical fertilizers, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, क्या देख पा रहे हो आप। भाई समराइज करें पॉइंट्स को, जाहिर सी बात इतने पॉइंट्स याद रख नहीं पाओगे, तो मैंने लास्ट में समराइज कर दिया है, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो कैरेक्टर्स और प्रॉब्लम को साथ साथ, पहला सब्सटेंस इन कैरेक्टर, इतना ही लिख दो काफी है। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, प्रीडोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स, मिक्स क्रॉपिंग वाला पॉइंट,
high percentage of reporting area under cultivation, small size of holding and fragmentation of field. ठीक है, labor intensive, primitive technology, rain fed agriculture, limited intensive agriculture, less area under leguminous and fodder crops, tradition bound, low productivity, government policy, lack of definite agriculture land use policy, lack of marketing and storage, low status in society, land tenancy, poverty and indebtedness of the farmers, inadequacy of extension services, soil erosion and degradation. इसमें से कोई सा भी 12 to 15 points आप select कर लोगे. Guys, इस तरह मैं आपके साथ साथ जैसे जैसे आप higher class में जाओगे, main answer writing questions और बढ़ते जाएंगे, MCQs और बढ़ती जाएंगी. ठीक, तो आज MCQs करेंगे कल वाली क्लास में. ठीक है, तो MCQs आज मैं छोड़ रहा हूँ, कल करेंगे. फॉर एनी असिस्टेंस स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिया है, आप जुड़ जाओगे. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे 9 PM. गाइस, अगर आपको एफर्ट जेन्युइन लग रहा है, आपको फायदा हो रहा है, सेशन आप रेगुलर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ, बिकॉज यू आर गेटिंग ऑसम फ्री कंटेंट on my YouTube channel ATS Ajit Pani Sir. God bless you. Jai Hind, Jai Bharat.